सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल डील पर सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रही सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये याचिकाएं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी, कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य ने दाखिल की थी। राफेल डील को लेकर कांग्रेस की कोई दलील काम नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने डील को क्लीन चिट दे दी है और भ्रष्टाचार की किसी भी संभावना को नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम अदालत ने साफ कहा कि इस मामले में एफआईआर का आदेश देने या जांच बैठाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को राहत मिली है और बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और इसे सत्य की जीत बता रही है। कानून मंत्री रविशंकर ने कहा है कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। I would discuss in detail subsequently, but let me formally make a clear demand that Congress party must apologize to the country and Rahul Gandhi in particular must apologize to the country. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राफेल केस को लेकर दायर की गई रिव्यू पिटीशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और इससे हमारी सरकार के स्टैंड का विंडिकेशन हुआ है इस फैसले के परिणाम स्वरूप, बल्कि हमारी सरकार की जो डिसीजन मेकिंग की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। और राफेल के संबंध में जो भी निर्णय लिया गया था वो पूरी तरह से पारदर्शिता के आधार पर लिया गया था और साथ ही डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की अर्जेंसी को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया था, राष्ट्रहित में यह फैसला था। और मैं समझता हूं कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस से जुड़े हुए मामलों का किसी भी सूरत में राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का माफीनामा स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा था कि चौकीदार चोर है और इसको लेकर कोर्ट ने उन्हें माफ तो कर दिया है, साथ ही हिदायत भी दी है। देखिए, कोर्ट ने आप अगर इसका पूरा प्रकरण समझें तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि कोर्ट ने कहा है कि ये गलत किया है, ये कंटेमनर है, कंटेमनर शब्द इस्तेमाल किया, यानी इन्होंने कंटेम्प्ट किया, ऐसा कोर्ट ने माना है। लेकिन तीन बार बदल बदल के तीन बार माफीनामा देना पड़ा, आपको याद है, तो माफीनामे की नजर से उन्होंने कहा है कि बेहतर जो सेंस है वो प्रिवेल करेगी, यानी थोड़ा सद्बुद्धि से ये काम करेंगे आने वाले समय में, इस हिदायत के साथ इनको छोड़ा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है और कानून की जीत बता रही है। राहुल गांधी का केस लड़ रहे कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि राहुल गांधी का कोर्ट की अवमानना करने का कोई इरादा नहीं था। राजनीतिक अभियान के गर्मागर्मी के दौरान कुछ ऐसे शब्द और वक्तव्य निकल आते हैं जिनका उद्देश्य, जिनका इंटेंशन किसी रूप से न्यायालय या न्यायपालिका की अवमानना करना नहीं है। और मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे एफिडेविट, विशेष रूप से दूसरे एफिडेविट को नोट करते हुए कोर्ट ने श्री राहुल गांधी को कंटेम्प्ट से, अवमानना से डिस्चार्ज किया है। मैं ये जानता हूं कि कोर्ट ने कहा है कि वो पहले गर्मा गर्मी में राजनीतिक अभियान के दौरान कहा वक्तव्य होना ही नहीं चाहिए था और इसलिए हमने हलफनामे में नतमस्तक थे और हमने माफी मांगी थी। राफेल डील मामले में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार को यकीनन बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।